रैंडी ऑर्टन से मांग लिया उनका आरक्यू इस एनएक्सटी के सुपरस्टार ने। एज ने किया अपने रिटर्न से इनकार, मॉक्सली और रेन यंग दिखाई दिए बेलेटर में, साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर के नए ओपोनेंट पे किया जा रहा है विचार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी खबरें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एपिक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की। तो रैंडी ऑर्टन के लिए साल 2019 इतना खास साबित नहीं हुआ। इस साल दोस्तों वो कोई भी बड़ी चैंपियनशिप नहीं जीत पाए, जिसके चलते दोस्तों हमने उन्हें इस साल इतना ज्यादा हाइप होते हुए नहीं देखा। स्टिल दोस्तों वो सुर्खियों में है क्योंकि उनका फिनिशर आरकेओ काफी कमाल कर रहा है। हाल फिलहाल में दोस्तों उनकी फाइट हुई थी एजे स्टाइल्स के साथ और उसके अंदर उन्होंने एजे स्टाइल्स को आसानी से हरा दिया, जिसका रीजन था दोस्तों उनका फिनिशर यानी कि आरकेओ। और आरकेओ एक रेसलर को इतना ज्यादा पसंद आ गया कि आज उन्होंने मांग लिया रैंडी ऑर्टन से उनका फिनिशर। तो ये कोई और नहीं, यह एनएक्सटी का सुपरस्टार टाइलर ब्रीज। तो टाइलर ब्रीज जो कि मेन रोस्टर में भी रह चुके हैं, प्रिंस प्रीटी ने दोस्तों आज रैंडी ऑर्टन से उनका फिनिशर मांगा, जैसे कि आप इस ट्वीट के अंदर देख सकते हैं। यहां दोस्तों उनका कहना क्या है, उनका कहना यह है कि अगर मैं तुम्हारे आरकेओ का प्रयोग एनएक्सटी के अंदर करूं तो क्या तुम्हें चलेगा। यहां दोस्तों उन्होंने पूछा है रैंडी ऑर्टन से। अब रैंडी ऑर्टन का क्या रिप्लाई होता है ये देखने वाली चीज होगी। क्या टाइलर ब्रीज इस चीज का यानी कि आरकेओ का प्रयोग वाकई में करने जा रहे हैं या फिर रैंडी ऑर्टन उन्हें मना कर देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, क्या आप टाइलर ब्रीज को ये फिनिशर यूज करता हुआ देखना चाहेंगे कि नहीं, या फिर दोस्तों ये रैंडी ऑर्टन पे ही जस्ता है। अपना कमेंट दोस्तों कमेंट सेक्शन में अलग से जरूर दीजिएगा। बट गाइज, अब हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो गाइज, इससे अगली खबर जो हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है रेटेड आर सुपरस्टार एज से। तो एज के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वो WWE को रिसाइन कर चुके हैं। ये खबर दोस्तों दूसरी बार ब्रोक हुई है एक महीने के अंतराल में। इससे पहले भी ब्रोक हुई थी जहां दोस्तों एज ने इसे सिरे से नकार दिया था, और अब जब ये फिर से ब्रोक हुई है तो फिर से दोस्तों एज का कहना यह है कि ये खबर झूठी है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहां आप देख सकते हैं एज ने असलियत में क्या कहा है। एज ने कहा है नहीं, अभी नहीं, अभी भी नहीं। यहां उन्होंने साफ कर दिया कि वो अभी WWE को साइन नहीं किए हैं। हालांकि दोस्तों जितना मुझे एज के बारे में पता है, एज ऐसे रेसलर है जो कि रिटर्न को एक ऐसी थिंग मानते हैं जो कि हमेशा प्राइवेट रहनी चाहिए। और यहां दोस्तों एज अपने आप से सही भी है क्योंकि रिटर्न का मजा तभी है जब वो अचानक से हो, वरना दोस्तों उसमें मजा नहीं आता। तो यहां दोस्तों एज अगर इनकार कर रहे हैं तो उसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, एज शायद से झूठ बोल रहे हैं। पर गाइस, अब हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो गाइस, इससे अगली न्यूज जो हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो गाइस, जॉन मॉक्सली बीती डायनामाइट का हिस्सा नहीं थे। AEW का शो आया जिसके अंदर दोस्तों AEW NXT से हार गई। लेकिन सवाल उठता है ये कि रेटिंग लाने वाला सुपरस्टार जॉन मॉक्सली डीन एम्ब्रोस कहां थे। तो जवाब आ चुका है, रोमन रेंस के जैसे वो अपनी कंपनी के अंदर छुट्टी के ऊपर थे। कल दोस्तों रेने यंग ने ये तस्वीर डाली सोशल मीडिया के ऊपर। ये तस्वीर दोस्तों बेलेटर की है। बेलेटर UFC के जैसे एक MMA का सपोर्ट है और एक तरीके से आप इसे मान सकते हैं कि जैसे WWE UFC है, वैसे ही दोस्तों बेलेटर है आपका AEW। उसके अंदर दोस्तों जॉन मॉक्सली गए हुए थे, जॉन मॉक्सली ने फाइट देखी। वहीं दोस्तों रेने यंग ने कैप्शन में ये चीज लिखा कि बेलेटर का पार्ट होते हुए काफी मजा आया और हमें काफी अच्छा लगा और फाइट काफी तगड़ी थी। यहां दोस्तों रेने यंग और जो आपके जॉन मॉक्सली और छुट्टियों के ऊपर है क्योंकि क्रिसमस काफी ज्यादा करीब है और यहां दोस्तों हर कोई अपनी फैमिली के साथ होना चाहता है। वहां रोमन रेंस छुट्टी पर थे, यहां दोस्तों जॉन मॉक्सली छुट्टी पर है। लेकिन गाइस, अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस, आज की हमारी जो मेन खबर जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। तो आप जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर के साथ क्या सिनारियो चल रहा है। ब्रॉक लेसनर छुट्टी पर है और ये कोई क्रिसमस की छुट्टी नहीं है, ये एक लंबी छुट्टी है जो कि दोस्तों इस साल के अंत तक हमें देखने को मिलने वाली है। छुट्टी दोस्तों साल के अंत तक रहेगी। ब्रॉक लेसनर किसी भी शो किसी भी इवेंट का
पार्ट नहीं हो पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रॉक लेसनर जो है वो अगले साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी में केन वेलास्केस के साथ राइवलरी में जा सकते हैं, वहां केन वेलास्केस का रिटर्न माना जा रहा है। रॉयल रंबल में इनकी फाइट हो सकती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए एक तरीके का रीमैच वहां रखा जा सकता है। बट गाइज अब माना ये जा रहा है कि अगर केन वेलास्केस वहां नहीं आ पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो गाइज वहां ब्रॉक लेसनर के जो ओपोनेंट होंगे वो होंगे रिकोशे। जी आपने सही सुना है, रिकोशे को माना जा रहा है ओपोनेंट। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों कि रियल प्लान्स जो ओरिजिनल प्लान्स थे वो ये थे कि जो डेनियल ब्रायन है वो होंगे ब्रॉक लेसनर के ओपोनेंट। बट गाइज वो प्लान्स हो जाते हैं कैंसल तब जब हो जाता है ब्रांड स्प्लिट और जो डेनियल है वो चले जाते हैं स्मैकडाउन के अंदर। उसके बाद दोस्तों प्लान ये बनता है कि केन वेलास्केस जो होंगे वो ब्रॉक को फेस करेंगे। ये वाकई में अभी तक रियल प्लान है। बट गाइज खुदा ना खास्ता केन वेलास्केस अगर नहीं आ पाते हैं, ऊंच नीच हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो गाइज वहां आपको ये चीज देखने को मिलेगी रॉ के अंदर कि रिकोशे किसी तरीके का गॉन्टलेट जीतेंगे या फिर कह लीजिए मल्टीमैन मैच जीतेंगे और बन जाएंगे नंबर वन कंटेंडर और उसके बाद इनकी राइवलरी स्टार्ट होगी। अब यहां दोस्तों रिकोशे को ही क्यों माना जा रहा है नंबर वन कंटेंडर, क्योंकि गाइज रिकोशे को एक तगड़े पुश की जरूरत है और ब्रॉक से वो फाइट करते हैं तो वाकई में वो पुश उन्हें मिलेगा। रिकोशे दोस्तों एक ऐसे सुपरस्टार है जिनकी तारीफ द रॉक जैसे सुपरस्टार कर चुका है, लेकिन दोस्तों अभी तक रिकोशे उतने ज्यादा ओवर नहीं हुए हैं। उनके मूव्स दोस्तों उनकी प्रतिभा से काफी आगे के हैं और सबसे एजाइल सुपरस्टार वही है। आपने देखा था कि रे मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉक लेसनर काफी एंटरटेनिंग रहा था बजाय दोस्तों केन वेलास्केस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के। और यहां दोस्तों आप जानते हैं कि अब रे मिस्टीरियो से तेज जो रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है वो है किंग रिकोशे। ऐसे में ये फाइट हो सकती है अगर केन वेलास्केस वहां नहीं आते हैं तो सवाल ये बनेगा कि अगर ये दो ऑप्शन आपको दिए जाए कि केन या फिर रिकोशे कौन होना चाहिए ओपोनेंट, आप किसका नाम लेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जरूर। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।